वेलकम बैक। आज बात करने वाले हैं टॉप 5 मास्क गेनर के बारे में। काफी दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए, थोड़ा फैमिली के काम में बिजी था तो आज टाइम लगा है तो सोचा आपके लिए एक वीडियो डाल दी जाए। आज बात करने वाले हैं टॉप 5 मास्क गेनर के बारे में। देखो, बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं मास्क गेनर लें या वेट गेनर लें। देखो, मैं आपको सिंपल एडवाइस दूंगा, आपको मास्क गेनर ही लेने चाहिए, वेट गेनर से दूर रहना चाहिए। क्योंकि वेट गेनर के अंदर सिर्फ आपको मेल्टोडेक्सिन ही मिलता है, उसके साथ में प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको। सो अगर आपको साइज भी इंक्रीज मारना है और थोड़ा सा वेट भी इंक्रीज मारना है तो आपको लेना होगा मास्क गेनर, वेट गेनर से थोड़ा सा दूर रहे। सो बात करने वाले हैं टॉप 5 के बारे में। देखो, सबसे पहले मेन चीज बता देता हूं आपको कि जो आपका वेट है, ठीक है, उस पर आपको 5 से 10 kg का मसल मास डालना है। तो ये चीज अपने ध्यान में डाल लो कि लीन गेनिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप अगर आपको दिख रहा है कि आपके ऊपर के 2 abs दिख रहे हैं, उसके साथ में आपका साइज भी इंक्रीज हो जाए, लीन गेनिंग हो जाए 3 महीने के अंदर विदाउट यूजिंग एनी स्टीरॉयड एंड ऑल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक चीज अपने ध्यान में डाल लो, आपका बॉडी 2-3% आपका बॉडी फैट इंक्रीज होगा ही होगा। आप सेम बॉडी फैट पे रह के अपना साइज गेन नहीं कर सकते हैं, ये चीज अपने दिमाग में डालो। बहुत सारे लोगों का पूरे सालों साल निकल जाते हैं सोचते सोचते कि लीन गेनिंग करनी है, लीन गेनिंग करनी है। नेचुरली लीन गेनिंग अगर आपको करनी है तो आपको थोड़ा फैट झेलना पड़ेगा, फैट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उस फैट को आप बाद में थोड़ी डाइटिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि फैट आ गया तो सब फैट ही आया, फैट के साथ में आपको मसल मास भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको 50-50 होगा, थोड़ा आपको मिलेगा फैट, थोड़ा आपको मिलेगा मसल मास। फैट आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर लीन गेनिंग के चक्करों में ही रहोगे तो देखो ये आपका बहुत लंबा प्रोसेस है, सालों साल लग जाते हैं आपको थोड़ा सा लीन गेन मारने के अंदर। तो चीज यही है, लोग आपको रियलिटी नहीं बताते हैं। लीन गेनिंग जो होती है, अगर आपका बॉडी फैट भी सेम रखना है आपको और उसके साथ में आपको गेन भी करना है तो वो सिर्फ स्टीरॉइड से ही होता है। ये मिथ है कि लोगों को लगता है कि लीन गेनिंग इज पॉसिबल, नेचुरली नहीं पॉसिबल है। मेन चीज ये है कि अगर आपकी एज जो है वो 25 से ऊपर ऊपर है तो उसके बाद में आपका बहुत रेयर चांस होते हैं कि लीन गेनिंग हो जाए। जो एज आपकी स्कूल की होती है उसके अंदर चांसेस रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी आपकी ग्रो करती है, उस टाइम आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे चांसेस रहते हैं कि आपकी बॉडी ग्रो हो रही है तो लीन गेन हो सकता है। लेकिन 25 के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी स्टेबल हो जाती है, उसके अंदर आपको अगर गेन करना है तो थोड़ा फैट आपको मिलेगा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन प्लैनेट के एक्सट्रीम मास्क गेनर के बारे में। काफी अच्छी कंपनी है, जितने बारी भी लैब टेस्ट हुए बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आए हैं इनके। सो बात करते हैं क्या मिलेगा प्रोटीन। देखो, जो मैंने लिखा हुआ साइज में लिखा है 100 ग्राम के आसपास। देखा तब जितने स्कूप रहते हैं उनका सर्विंग सा अराउंड 100 ग्राम के आसपास ही रहता है, तो मैंने जो न्यूट्रिशन फैक्ट लिखे हुए हैं वो 100 ग्राम के हिसाब से लिखे हुए हैं। 100 ग्राम के अंदर आपको मिलेगा न्यूट्रिशन प्लैनेट के एक्सट्रीम मास गेनर के अंदर प्रोटीन मिलेगा 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे 58 ग्राम, साथ में आपको क्या अलग मिलता है, क्रिएटिन इसके अंदर मिल जाता है आपको 1 ग्राम, साथ में ग्लूटामाइन मिल जाएगा 1 ग्राम, फैट मिलेगा 2 ग्राम। ये हो गया न्यूट्रिशन प्लैनेट के एक्सट्रीम मास गेनर के बारे में। बात करते हैं प्राइस की। प्राइस आपको 3 kg का पड़ेगा 2099 का, तो 1 kg के हिसाब से देखा जाए तो आपको ये पड़ता है 700 rupees पर kg। उसके बाद आता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का मास गेनर, काफी जानी मानी कंपनी है और लास्ट के 2 साल के अंदर कंपनी ने इतना नाम कमाया है। टॉप 5 जितने भी वे प्रोटीन होते हैं उसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का नाम हमेशा होता है। बात करते हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के मास गेनर के बारे में। प्रोटीन मिलेगा आपको इसके अंदर पर 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, सेम है लगभग, और कार्बोहाइड्रेट थोड़े से ज्यादा है इसके अंदर मिलेंगे 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। फैट मिलेगा इसके अंदर आपको 1 ग्राम, शुगर थोड़ी सी ज्यादा है, शुगर मिलेगी इसके अंदर आपको 6 ग्राम। ठीक है, और पर केजी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको पड़ता है 725 रुपए का, तो लगभग रेट के हिसाब से सेम है, प्रोटीन के हिसाब से भी सेम है, कार्ब्स और शुगर थोड़े से इसके अंदर ज्यादा है तो इसलिए मैंने इसको रखा है दूसरे नंबर पे। थर्ड आने वाला है जीनत न्यूट्रिशन का मास गेनर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसका प्राइस आपको पर केजी के हिसाब से 750 रुपए पड़ता है। इसका जो अभी आपको मिलेगा 1.5 kg का है वो आपको पड़ेगा 1123 का। ठीक है, 1100 रुपए के आसपास का प्राइस पड़ेगा आपको 1.5 kg के
जीनट न्यूट्रिशन के मास गेनर का। बात करते हैं मिलता क्या, प्रोटीन इसके अंदर मिलेगा 17 ग्राम। अब आप सोचोगे प्रोटीन थोड़ा कम क्यों है, क्योंकि इसका सर्विंग साइज 75 ग्राम है। प्रोटीन इसके अंदर मिलेगा आपको 17 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे 51 ग्राम, फैट मिलेगा 1.5 ग्राम, शुगर मिलेगी 4 ग्राम, और क्रिएटिन इसके अंदर नहीं मिलता है। ग्लूटामाइन आपको मिल जाएगा लगभग 500 mg के आसपास, आपको इसके अंदर मिल जाएगा ग्लूटामाइन। तो पर केजी के हिसाब से देखा है तो बताता हूं 750 रुपए का है, तो रेट के हिसाब से सेम है। थोड़ा सा प्रोटीन इसके अंदर लो है क्योंकि सर्विंग साइज इसका थोड़ा छोटा है, और बाकी कार्ब्स देखा जाए तो 51 ग्राम मिलते हैं, लो इसलिए है क्योंकि सर्विंग थोड़ी सी इसकी कम है। ज्यादातर पता क्या होगा कि सर्विंग साइज के थोड़े से डाउट रहते हैं लोगों के, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको सर्विंग पूरे दिन में लेनी कितनी है। मेरी मानोगे तो 100-150 ग्राम के आसपास से ऊपर आपको मास गेनर की सर्विंग लेनी नहीं चाहिए। और भी चीजें होती हैं जैसे बॉइल्ड राइस हो गए, या फिर बहुत सारे कार्ब्स के सोर्स होते हैं हमारे पास, उनको हमें ले लेना चाहिए, सिर्फ मास गेनर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गए 3 हमारे इंडियन ब्रांड, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन ब्रांड की। अगर आपका थोड़ा सा बजट थोड़ा सा हाई है, आपको थोड़े बाहर के ब्रांड पे इन्वेस्ट मारना है, तो 2 ब्रांड आपको बताने वाला हूं मैं। सबसे पहला होने वाला है रोनी कोलमैन का मास गेनर, जो कि आपको 6 LB मिलेगा 3899 का, ठीक है। सर्विंग साइज थोड़ा सा ज्यादा है, 125 ग्राम सर्विंग साइज है। प्रोटीन इसके अंदर मिलता है आपको 30 ग्राम, ठीक है। कार्ब्स मिलेंगे 89 ग्राम, और रेट आपको पता है 3899। थोड़ा सा रेट ज्यादा है क्योंकि बाहर का ब्रांड है, इसलिए थोड़े पैसे ज्यादा है। बात करते हैं दूसरे की, दूसरा हो गया लैब्राडोर। सबको पता है बहुत ही टाइम से मतलब मार्केट के अंदर है, और प्राइस इसका 3349 का पड़ता है 6 LB का। इन दोनों के अंदर पता क्या, छोटी पैकिंग अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैंने 6 LB का लिखा हुआ। 6 LB मिलता है आपको 3349 का। प्रोटीन बात करते हैं, प्रोटीन इसके अंदर मिलता है आपको 17 ग्राम, कार्ब्स मिलते हैं 84 ग्राम, फैट मिलता है 1 ग्राम, क्रिएटिन मिलेगा 300 mg, ग्लूटामाइन मिलेगा लगभग 100-150 mg के आसपास, इसके अंदर आपको ग्लूटामाइन मिल जाता है। तो अगर रोनी कोलमैन का देखा जाए और लैब्राडोर का देखा जाए, तो रोनी कोलमैन इज क्लियर योर विनर। बट ये है कि ये दोनों ही हैं जो मार्केट के अंदर काफी टाइम से बिक रहे हैं, इसलिए इन दोनों का नाम मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। मेरी पर्सनल चॉइस मानोगे तो रोनी कोलमैन इज बेटर देन लैब्राडोर, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मेरा काम इतना है सिर्फ आपको थोड़ी मोटी डिटेल देना अपनी नॉलेज के हिसाब से। सो दीज आर द 5 मास गेनर जो मेरे को लगता है कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं। और बात करते हैं लेना कहां से, देखो मैंने साइट का लिंक डाला हुआ है डायरेक्ट इनका। और बात रही फॉरेन ब्रांड की, फॉरेन ब्रांड के लिए न्यूट्राफिट डॉट एक ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड मार सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये बाहर के जितने भी फॉरेन वे प्रोटीन और ये मास गेनर हो गए और काफी और भी सप्लीमेंट है, ये सब चीजें उनके ऊपर आपको जेन्युइन मिलने वाली है। जेन्युइन मिलने की मेरी शॉर्टी है कि 100% आपको माल जेन्युइन मिलने वाला है, बिल्कुल डुप्लीकेट ही मिलेगा। ये जो बाहर के ब्रांड है ये आलतू फालतू की साइट से बाय बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा डुप्लीकेसी आती है, आप डब्बा देके बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे कि ये ओरिजिनल है या नकली है। इफ यू वॉन्ट टू बाय जेन्युइन, लिंक मैंने डाला हुआ है, न्यूट्राफिट ऐप है, डाउनलोड मार के उसके ऊपर से आप फॉरेन ब्रांड के कोई भी प्रोटीन, वे प्रोटीन या मास गेनर या कोई भी और सप्लीमेंट जेन्युइन बाय कर सकते हैं। तो इट्स योर फ्रेंड विनर ऑफ साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड एंजॉय टिल नेक्स्ट वीडियो।